कि आप लोगों की क्या मंशा है? हिंदू राष्ट्रीय बनेगा इधर। दोस्तों जितने भी कांवड़िया है सभी यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, भारत माता की जय, जय करो वीर बजरंगे। जय बोले की दोस्तों, कांवड़ियात्रा 2023 में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। और दोस्तों हमारे पीछे बहुत ही खूबसूरत सी कांवड़ है जो तिरंगा कांवड़ है, हिंदुस्तान किसान को बढ़ाने वाली कांवड़ है, देश किसान को बढ़ाने वाली कांवड़ है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, बहुत आनंद आएगा। बोल शंकर भगवान की। अच्छा भोले जी अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम है रोहित वाल्मीकि। अच्छा जी भोले जी, कांवड़ कहाँ जाएगी ये बता दो, कांवड़ कहाँ जाएगी? ये जाएगी तिलकनगर। तिलकनगर दिल्ली? हाँ जी। अच्छा तो यहाँ से कितनी दूरी होगी हरिद्वार से? 180। तो हरिद्वार से कब चले थे आप? 27। तो जो भोले ये तिरंगा कांवड़ है, ये कौन सी कांवड़ है, इसको कौन सी कांवड़ बोलते हैं? विशाल कांवड़। तो बोले इस कावड़ को दिखाओ हमें, ये इसमें कितनी मंजिल है? अच्छा 8 मंजिल है। और लगभग कितने फीट की है ये? 15 फीट। 15 फीट की है। तो योगी ने तो कहा था कि 12 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 15 फीट लिया है। अरे इसे कौन मना कर देगा, बोले शंकर भगवान की जय। तो बोले जी पहली बार आए? पहली बार नहीं, मैं 8वीं बार आज। 8वीं बार पैदल यात्रा अपनी ये पहली बार है। अच्छा पैदल यात्रा पहली बार है, इससे पहले भी कांवड़ ला चुके हैं? हाँ। अच्छा इससे पहले कौन सी कांवड़ लाए? ये ऐसी लाया था। अच्छा यही इस तरह की? तो भोले जैसे आपका 15 फीट है, अगली बार 2024 में क्या करोगे? अगली साल टहल का। अरे कम से कम 20-25 फीट की लाओ अगली साल। सिंगल बंदे की है। अच्छा अगली बार 4 बंदे की होगी और इससे लंबी होगी। तो बोले जो यह कावड़ है या एक की है या किस किस की? आप अकेले की है? अरे बोले जो है, अच्छा आपके जो है ये कल से रखे हैं? अच्छा ये बोले सबकी अलग अलग 120 लीटर। 120 टोटल? ये 120 120 कौन सा उठा रहा बोला? अरे बोला वाक में पहलवान बोला है, बोले ने कान भी पुड़वा रखे हैं। अरे बोले जिम विम करते रह गया बोले? वाह बोले ना बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। तो बोले जी पैर में सूजन वूजन है जैसा कोई इस तरह का है? अच्छा तो इसके लिए कुछ दवाई का इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं? दवाई लगा रखी है, नींद लगा के छाले हो रखे हैं। अच्छा तो बोले जी कितने दिन होले चलते हुए आपको? 7 दिन। 7 दिन? 7 दिन। कितनी तारीख में पहुँच जाओगे? 11 को। तो बोले जी जैसा इतनी ऊंची कावड़ ला रहे, भोले की भक्ति भी दिखा रहे, देश भक्ति भी दिखा रहे, तो इसके पीछे क्या मनोकामना है आप लोगों को? कि हमारे मम्मी पापा हमेशा खुश रहे। अच्छा उनकी लंबी उम्र दे। तो दोस्तों ये जो इतनी विशाल जो कावड़ लाए हैं केवल इसलिए कि इनके माँ बाप खुश रहे और सुख शांति बनी रहे परिवार में। तो माँ बाप के लिए कावड़ लाए हैं आप देख सकते हैं। तो बोले जी इसमें जैसे फुल परमिशन है घर वालों की? अच्छा उनकी सबकी खुशी से आ रहे? तो बोले जी मतलब कोई और मनोकामना हो? नहीं बस हमारे माँ बाप खुश रहे जिन्होंने हमको इस दुनिया में लाया है। हाँ बस वो एंड तक हमारे साथ चले। नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार है। और बोले जी नंगे पैर कौन कौन चल रहा? अच्छा ये बोला चल रहा नंगे पैर? अच्छा अच्छा लेकिन वैसे देखे एक बात बताऊँ, नंगे पैर ही चलना चाहिए क्योंकि नंगे पैर आप ये सोचोगे कि छाले पड़ जाएंगे, लेकिन ये छाले पड़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि नंगे पैर चलने से भूमि से एक ऊर्जा निकला है। जब भी हम तीर्थ यात्रा करेंगे ना, अगर नंगे पैर चलेंगे तो हमारी जो तीर्थ यात्रा है कावड़ यात्रा कह लो, उसका कई गुना फल मिलेगा। शंकर भगवान की जय। तो भोले ने बहुत अच्छा काम, क्या नाम बताया भोले ने? पीयूष भोला। भोला बड़ा भोले का भक्त है अधिक। तो भोले जी जैसे इतनी दूर जा रहे, इतना 100 लीटर जल उठा रहे, 100 लीटर जल उठा रहे, तो इतनी शक्ति कहाँ से आई? प्रभु की लीला है, हमारी लीला है। हाँ ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की लीला है, हमारी लीला है। तो एक बार सबको बता दो जो दुनिया वाले देख रहे कि जो है शंकर भगवान जो है अभी भी यहीं पर ही है इसी धरती पर। हाँ ये प्रभु की लीला है, हमारी लीला नहीं है। हाँ हमारी लीला चालू होगी, हमारे कंधे दर्द हो रहे लेकिन अभी तक हमारे पैर दर्द नहीं हुए। अच्छा पैर दर्द बिल्कुल भी? देख सकते हैं आप बोलो कि कितनी शक्ति है। अपने घर में चल रहे इधर से उधर, कहीं दूर चले जाए तो हमारे पैर दर्द हो जाते हैं।
सफर हो गया। मैं आपके साथ चलने लगूं मैं भी थक जाऊंगा, क्योंकि जब आप भगवान का नाम भोलेनाथ का नाम लेके जल उठाते हैं ना तो बड़ा ऑटोमेटिक शक्ति आ जाती है। तो और भोले जी, तो हम तो यही चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करे, और जो आप कष्ट कर रहे हैं ना वो आपका फलदायी हो। ठीक है भोले, तो एक बार जो है जयकारा लगा। गंगा मैया की जय, भारत माता की जय बोल रहे, भारत माता की जय। चक्कर वीर बजरंगे, इस बार हिंदू राष्ट्र बनाना है। हाँ देख बोले रहे बोली असली बात, इस बार जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस सभी बोलो का यही नारा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। कि आप लोगों की क्या मनसा है? हिंदू राष्ट्रीय बनेगा इधर। तो जितने भी कांवड़िया है सभी यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। ये देखो भोले ने उठा ली तिरंगा कांवड़, ये भोले की हर हर महादेव, बम 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 भोले, संग 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 भोले, रंग 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 भोले, बोल शंकर भगवान की जय, जय। ठीक है भोले, जय भोले की, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय भोलेनाथ। दोस्तों भोले ने उठा लिया एक क्विंटल वजन, और ये पावर केवल महाकाल के भक्तों में ही हो सकती है, बाकी और कोई ये कारनामा नहीं कर सकता। जय हो सनातन धर्म की, और जय हो हिंदू धर्म की, और जय हो इस शेर भोले की। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। वाह भोले जी, वाह हद कर दिया आपने।